मॉस्किटो किलिंग गैस का कहीं प्लांट होगा ना, वहाँ से सिलेंडर उठा लेना। ओके, उठा लूंगा और उसके बाद शहर के सारे मच्छरों को खत्म कर दूंगा। पर यारो, मुझे नहीं लगता कि गैस का इन मच्छरों पर कोई असर होगा। मुझे तो ये अलग ही प्रजाति के मच्छर लगते हैं। ये बाहर से आए हैं या इन्हें लाया गया है? तुझे तेरा नया मिशन मिल गया है। यारो को भी ऐसा ही लग रहा है। ऑल द बेस्ट। मैंने तुम्हारे लिए नए फीचर्स वाले आई गियर बनाए जिसमें नाइट मोड विजन की भी फैसिलिटी। थैंक्स फॉर न्यू अपग्रेडेड आई गियर, आई लाइक इट। हमारा दुश्मन, उसे मच्छर की तरह मसल दे, जा। हमें वहां जाने की क्या जरूरत है छोटे? ये काम तो हमारे मच्छर ही कर सकते हैं। जब मेरा एक मच्छर किसी का नर्वस ब्रेकडाउन कर सकता है तो सोच, करोड़ों मच्छर अगर एक साथ इस योमैन को काटेंगे तो इसका क्या हश्र होगा। लेकिन मच्छरों को वो मार रहा है पूरे शहर में धुआं फैलाकर। उसके धुएं से शहर के बायोलॉजिकल मस्किटोज मरेंगे छोटे, जिन्हें इनके सो कॉल्ड भगवान ने बनाया है। मेरे इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर्ड मस्किटोज नहीं, क्योंकि उन्हें मैंने बनाया। उस बेचारे योमैन को तो ये भी नहीं पता कि उन मस्किटोज को मारा नहीं जा सकता, सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है इस डिवाइस से। और उस खतरनाक केमिकल का भी उनके पास कोई सलूशन नहीं, जिन्हें मैंने लोगों के अंदर अपने मस्किटोस के मीडियम से इंजेक्ट किया है। लगता है इस बार हमारा प्लान कामयाब हो ही जाएगा बड़े। ये हुई ना एकदम ठो वाली बात। थैंक यू योमैन। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी है कि योमैन ने पूरे शहर में मॉस्किटो किलिंग फॉग फैला दिया है और काफी सारे मच्छर मरे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार वो सारे मच्छर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया आदि के हैं। हसेरिया मच्छरों में से एक भी लाश अभी तक नहीं मिली है। ताजा जानकारी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय लिए चलते हैं अपनी संवाददाता झूठी शर्मा के पास। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? मुझे योमैन को फोन करना होगा। हेलो योमैन। मैडम डी, पूरे शहर का काम हो गया है, सिर्फ भिंडी बाजार और चोर बाजार बचा है। वहाँ भी धुआं फैला कर आता हूँ। कोई फायदा नहीं, धुएं का मच्छरों पर कोई असर नहीं हो रहा। ओह नो, सो सैड मैडम जी। अरे सैड होने से कुछ नहीं होगा, पहले हमें नास पिटे मच्छरों की जांच करनी होगी, फिर इन्हें मारने का तरीका ढूंढना होगा। तूने दो चार मच्छर ना किडनैप करके लिया। ओके मैडम जी, अभी लेके आता हूँ। वो क्या है कि लाइफ में अच्छी नींद पाने के लिए टेंशन फ्री होना बहुत जरूरी है, और लाइफ में टेंशन फ्री रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। वो क्या है कि किरणल के पीछे भागते 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 हम इतने टेंस हो जाते हैं, फिर भी हम इतने सुकून से कहीं ना कहीं सो जाते हैं। मैं पूछता हूँ क्यों? क्योंकि हम रोज लाफ्टर थेरेपी करते हैं।
लगता है कहीं पर फंसे नहीं मच्छरों ने धावा बोला, देखना पड़ेगा। लगता है हंसेरी या मच्छरों ने इन्हें अभी अभी काटा है। इससे पहले इन लोगों की हालत खराब हो मुझे इन्हें अस्पताल लेके जाना चाहिए। आइए आप सब लोग जल्दी से इस गाड़ी में बैठिए, चलिए जल्दी चलिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी चलिए आइए। अरे 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 एक मिनट रुकिए, ये योमेन कहाँ लेकर जा रहे हैं इन सबको? वक्त बहुत कम है, जल्दी चलिए। अरे वो तो मुझे भी पता है यार, जितना वक्त मिलता है कम ही पड़ता है सोने के लिए, लेकिन लेके क्यों जा रहे हो यार? अरे वाह आप तो एकदम से नॉर्मल हो गए, दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी चलिए, मानव जाति को आप लोगों की मदद की जरूरत है। आपको जिन हसेरिया मच्छरों ने काटा है उनके खून के सैंपल से वो सॉल्यूशन बन सकता है जिससे इससे बचा जा सकता है। चलिए मानव जाति को आप लोगों की जरूरत है। अरे हमें किसी मच्छर ने नहीं काटा यार। फिर क्यों हंस रहे थे आप लोग? अरे हम तो लाफ्टर थेरेपी कर रहे थे, योगा। अरे भाई आओ योगा कर रहे थे। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर दुबे, मुझे नहीं पता था कि ये योगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सोने से अच्छा है कि योगा करना, लाफ्टर थेरेपी करना। आप ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे लगते हैं। सुनो हमारे एक मिनट बात तो सुन लो यार। लाफ्टर थेरेपी जारी रखिए। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी बहू है ना रोज सवेरे मुझे घर के बाहर भेजती है, फिर अंदर बुलाती है, फिर बाहर भेजती है, फिर अंदर बुलाती है, ऐसा वो रोज आधे घंटे तक करती है। रियली? लेकिन मेरी समझ में समझ नहीं आ रहा है कि कर कर के आपके बहू आखिर ऐसा करती क्यों है? अरे वो टीवी में देख देख के योगा करती है ना, बस टीवी में बाबा जी कहते हैं कि सास को बाहर निकालो, सास को अंदर लो, सास को बाहर निकालो तो सास को अंदर लो। हाँ लेकिन अगर सास यानी कि सास सास को बाहर का सास को अंदर लो। मेरे हस्बैंड बोलो हाँ अग्रवाल अग्रवाल सर सॉरी सॉरी बोल बोल के बोलिए। पीना जी अरे आप तो अंदर ही पीना जी, अरे आप चलिए अस्पताल, चलिए मेरे साथ चलिए। क्यों क्या हुआ, आपको मच्छर ने तो नहीं काट लिया? अरे बीना जी लगता है मच्छर ने आपको काट लिया, बिना बात के हस्ती जा रही है नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। आप गलत समझ रहे हैं, वो तो मिसेस पांचोली ने एक जोक बताया, इनके बहू सास को सुबह बाहर अंदर लेती। मैं तो डर ही गया था बीना जी। अच्छा मैंने आपको कुछ देर पहले वो एंटी मॉस्किटो क्रीम दी थी, उसको लगाए हुए 3-4 घंटे हो गए, उसका असर खत्म होने वाला होगा बीना जी, मैं लगा दूं दोबारा से आपको? अरे मैं लगा लूंगी, थैंक यू। जरा कम हंसिए प्लीज, आप डरा रही हैं मेरे को। फाइन डोंट वरी। भाभी जी आ जाऊं? हाँ हाँ आके आइए ना। चतुर्वेदी जी, भाभी जी ये आपको हो के क्या हो गया? अरे भाभी जी, अरे ये ना ये चलती फिरती मच्छरदानी है। हाँ अरे इसको लगाने के बाद ना, अरे आपका मच्छर काटने का क्या छू भी नहीं पाएगा एकदम। तो ये लीजिए, ये देखिए, ये हम स्पेशल जो है ना ये हमने आप लिए बनवाया एकदम। तो चतुर्वेदी जी हाउ स्वीट, लगाइए लगाइए ना। आप रख रख के मेरा कितना ख्याल रखते हैं। भाभी जी मजा आया। नो मस्कीटो नो मस्कीटो। वाह वाह बीना जी, तो मतलब मैं आपका ख्याल नहीं रखता बीना जी हा? मेरी एंटी मॉस्किटो क्रीम आपने नहीं लगाई और इनके एंटी मॉस्किटो नेट के अंदर घुस गई आप फटाफट। अरे नहीं अग्रवाल साहब, आप समझ समझ के गलत समझ रहे हैं। हटिए पीछे। अरे कोई तरीका है क्या? आप गलत समझ रहे हैं। अरे भाभी जी जाने दीजिए ना उनको। अरे कोई माई कलाल प्रभु लाल, मच्छर आपको ना छेड़ नहीं सकता है,
वरना मैं उसकी ठोकर दूंगा एकदम। थैंक यू चतुर्वेदी जी, लेकिन एक मिनट जरा रखिए ना। अरे अग्रवाल, अरे बीना जी, अरे ये मेरा बैग तो निकाल के जाइए। अरे क्या हाल है मिसेस पंचाली? बेड़ा गर्क, हजार दफा का है, मेरा नाम पंचाली नहीं है, मिसेस पंचोली है। मेंशन नॉट, काटा है आपको मच्छर। चार घंटे, सिर्फ चार घंटे में 5,000 से ज्यादा लोग मेरे मच्छरों का शिकार हो गए हैं छोटे। लेकिन इससे होगा क्या बड़े? अपने मच्छरों से लोगों को कटवा कर तुम करना क्या चाहते हो? देखता जा छोटे, मैं एक मच्छर से 3 शिकार करूंगा। पहला, जिन लोगों ने योमैन को अपना मसीहा माना है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब मैं मारने पर आऊं तो योमैन का बाप भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। दूसरा, उस चूहे योमैन को उसके बिल से बाहर निकाल के मारना। और तीसरा, ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने के लिए? लेकिन पैसे किससे लेगा तू बड़े? पैसे तो मैं ले चुका हूं छोटे। किससे? तूने एक बात पे गौर किया है छोटे? मेरे मच्छरों ने एक खास एरिया को ही अपना शिकार बनाया। ये वो एरिया है जहां लोग लाल पुदीना पार्टी को ही वोट देते हैं। तो मैंने 40 करोड़ रुपए लिए हैं नोट पार्टी से। 40 करोड़? ताकि लाल पुदीना पार्टी के वोटर्स पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाए और अगले कॉरपोरेट इलेक्शन में नोट पार्टी जीते। अब अगर लाल पुदीना पार्टी के वोटर्स होश में ही नहीं होंगे तो वोट किसे देंगे? और नोट पार्टी का नेता जीत जाएगा? वाह बड़े, क्या दिमाग लड़ाया है पैसे कमाने के लिए। हाँ हाँ छोटे, अब देखना तू मेरा आखिरी खेल। योमैन के सब दाव भी हो जाएंगे फेल। मेरे मच्छरों की सेना से बच सकता है तो बच योमैन। जस्ट कैच देम इफ यू कैन। ये पूरा यकीन है ना इसमें, हमें कोई मच्छर नहीं काटेंगे? अरे काटेंगे क्या, चाटेंगे भी नहीं। चलना। बे अनजान मुसाफिरों, तो कहाँ ठोक कर रहे हो बिना परमिशन के? मैं कोई चोर चक्का हो क्या तुम लोग? आपने हमें पहचाना नहीं? तुम कोई शहंशाह हो क्या कि रिश्ते में तुम हमारे बाप लगते हो तो तुम्हें पहचानेंगे? मतलब आपने हमारी आवाज को भी नहीं पहचाना? हाँ हाँ, तुम्हारी जो आवाज है ना, कुछ वो जानी पहचानी सी लगती है। कौन है? लंगूर जैसी। और क्या है ना कि अब उनसे भी मिले हुए बहुत दिन हो गया, तो कैसे पहचानेंगे भाई हम? ये तो हमें बिल्कुल नहीं पहचान रहा। हाँ? इन्होंने राजू को हमारे घर में घुसेड़ा था ना, तो भगवान ने हमें मौका दिया हाथ साफ करने का। चल हाथ साफ करते बेटा। हाँ। अरे लेकिन हमारे हाथ गंदे कहाँ हैं? और मुझे पता था ऐसा कोई बेहुदा सवाल ही करेगा तू। इधर आ। क्या खुशबू कर रहा है? बिना परमिशन के यहाँ टहलोगे ना तो भाई ठोकर देंगे हम। सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, बिना परमिशन के अब हम सोसाइटी में घुस ही गए हैं, लेकिन अब से हम परमिशन जरूर लेंगे। हाँ। वैसे क्या है ना, मेरे हाथ में खुजली हो रही है, आपकी परमिशन हो तो मैं मिटा लूं? अरे मिटा लो ना भैया, अरे हमारे बाप का क्या जाता है। व्हाट फादर गोल। आज क्या हो रहा है चतुर्वेदी तुम्हारे साथ? देखो अब मच्छर से तुम बच जा रहे हो, लेकिन आज जो है 2 बार हम तो पड़खा चुके हैं, जिसको देखो भाई हमारी कचूमर निकाल के चला जाता है। लेकिन अब कोई ठो नहीं होगा। हाँ, मेंशन नॉट। आओ अब आपको कोई भी मच्छरदानी नहीं बचा सकती है चाचा जी। आ बेटा आओ आओ आओ, अरे जो मैं तुम्हें ठो करता हूँ। चला काट आके। आजा आजा।
हिम्मत होना तो काटो आके हमको। ओहोटा चतुर्वेदी ओ गई ना दिखा कैसा ठोक गया तुम लोगों की। बचाओ 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 बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ। अब क्या करूं, चतुर्वेदी जी को कैसे बचाऊं? रोटेट मैंने अपने सारे मस्किटोज में हाई वोल्टेज करंट भर दिया है। अब जैसे ही वो तुझसे टकराएंगे तो तुझे एक नहीं दो दो शॉक लगेंगे, एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक का और दूसरा तेरी हार का। एक बार फिर मेरे हाथ से बचकर निकल गया यो मैन। फिर से तुम्हारी तैयारी कच्ची निकली बड़े। मेरी तैयारी नहीं, उसकी किस्मत अच्छी थी छोटे। लेकिन देखता हूं उसकी किस्मत उसे कब तक बचाती है। आज मिस्टर रेक्स उसके साथ वीडियो गेम खेलेगा। खूब तबाही फैलाई तुम लोगों ने, अब तबाह होने की बारी तुम लोगों की। इस बेवकूफ योमैन को ये नहीं पता कि मेरे मच्छर न सिर्फ रोबोटिक हैं बल्कि फायर प्रूफ भी हैं। आग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन पर अल्ट्रा वायलेट किरणों से अटैक करता हूं। इन पर अल्ट्रा वायलेट किरणों का भी कोई असर नहीं हो रहा। अब क्या करूं, इन मस्किटोज पे किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा है। तेरा खेल खत्म यो मैन।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.